वेलकम बैक टू माई चैनल विदेश होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? एक सेकेंड, ये मैं बंद कर और मैं आपको दिखाती रहूँगी कि थोड़ा थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को कुछ चीज़ें चाहिए थी और उनको शूज़ वगैरह चाहिए थे और बच्चों को भी घूमना था, तो हमने कहा चले चलते हैं मॉल में, चलते हैं वहाँ जाके घूमते फिरते देखते हैं क्या है। इतना दूर भी नहीं है, करीबी हमारे लाइक 10-15 मिनट्स की ड्राइव है। सो या सो आई होप यू गाइस लाइक माय मेकअप, लेट मी शो यू गाइस माय मेकअप। आई हैव दिस लिपस्टिक फ्रॉम टू फेस्ड एंड आई हैव माय इयररिंग्स, आई गॉट देम लॉन्ग टाइम अगो, आई हैव नो आइडिया फ्रॉम वेयर, एंड आई डिड माय हेयर कर्ल अगेन, एंड आई हैव माय जैकेट, इट्स फ्रॉम माइकल कोर्स, and these glasses are very expensive, they are from Dollar Tree se maine ye liye the glasses, aur jacket meri hai Michael Kors ki, so yeah abhi hum log ja rahe hain, bas raste mein hi hai, aur yeah I hope you guys enjoy it, let me show you guys a little bit. You're done? सो बाकी की वीडियो जो है अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था और मेरे पास माइक भी नहीं था, तो आवाज़ तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर मैं इसको वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो अभी बस मैं आपको रास्ते दिखा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग मॉल जाने के बजाय मैं टीजे मैक्स चली गई थी और फिर हम लोग 5 बिलो चले गए थे टीजे मैक्स पर, तो लड़कियों ने मुझे बहुत तंग किया, मैं वो रोने शुरू हो गई कि उनको कार्ट में नहीं बैठना था, तो इसीलिए फिर मैं वहाँ तो वीडियो नहीं बना सकी। 5 बिलो की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोग 5 बिलो गए थे, वहाँ पर हर चीज़ जो है $5 और लेस की मिलती है, और टीजे मैक्स की हॉल जो है वो आने लगी है होपफुली सून इन फ्यू डेज़, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, आप देखते रहें मेरा चैनल एंड वीडियोज़। तो टीजे मैक्स की हॉल भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे बहुत ही मज़ेदार कुछ चीज़ें मिली हैं टीजे मैक्स पे जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और ये 5 बिलो है, यहाँ पर काफ़ी सारी हर तरह की दुनिया जहाँ की जो है कैंडी मिलती है, तो आप देख सकते हैं बच्चे तो लड़कियाँ तो देख कर बस क्रेज़ी हो गई थी, उनको सारी कैंडी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने उनको सारी तो ऑफ़ कोर्स नहीं दिलाई, एक दो कैंडी मैंने उनको कहा कि आप ले लो क्योंकि उसके वरना फिर दांत ख़राब हो जाते हैं और फिर लड़कियाँ खाना नहीं खाती हैं, सिर्फ कैंडी खाती रहती हैं। तो या तो देख सकते हैं आप हर तरह की माशाल्लाह यहाँ कैंडी वगैरह रखी है, तो दोनों तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी ये कैंडी स्टोर देख कर। यहाँ से भी मैंने घर के लिए एक दो चीज़ें ली हैं, वाटरप्रूफ फ़ोन केस वगैरह लिए थे, ये देख सकते हैं बिग सरप्राइज़ एग, इन लोगों का जो है ईस्टर आने लगा है तो हर जगह ये सरप्राइज़ एग्स लगे हुए हैं, और मेरी लड़कियों को ये सरप्राइज़ एग्स तो बहुत ही पसंद है, कभी कभार मैं इनको ले देती हूँ लेकिन हमेशा नहीं ले कर देती क्योंकि फिर ये लोग खाना नहीं खाती हैं, उसमें कैंडी होती है वो खाने लग जाती हैं, और टॉयज़ वगैरह होते हैं कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है, आके मॉन्स्टर ले जाते हैं। और ये लैम्बी शीज़ा को बड़ा पसंद आ गया तो फिर हमने ये भी ले लिया, ये देखें वो उठा के इसको बस चल पड़ेंगी ये। सो इसी तरह होता है जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, हर चीज़ तो हम उनको नहीं से पूरी कर सकते, ये है कि थोड़ा बहुत हम करते रहते हैं, अगर हर चीज़ उनकी पूरी करने लग जाएंगे तो फिर वो लोग ज़िद्दी हो जाएंगे और फिर उनको ऐसा लगेगा कि बस हर चीज़ पे उनका हक है, हमें उनको ऐसी तरबियत नहीं देनी है, हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर चीज़ सही हमेशा नहीं मिल जाती है, आपको उसके लिए बिहेव करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, यही मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को सिखाने की। मुझे वो कुछ कर रही होती हैं तो मैं तो यही बोलती हूँ आप बिहेव करो तो आपको ये मिलेगा। एनीवेज अब हम लोग आ गए थे चिपोटले, चिपोटले में ये है कि सब कुछ ही मिलता है, आप वेजिटेरियन बोल भी ले सकते हैं, तो हम लोगों ने यही किया था, वेजिटेरियन बोल जो है हम लोगों ने ले लिया था दोनों ने और लड़कियों ने भी, सो ये उसके अंदर बीन्स और राइस वगैरह सब कुछ होता है, सैलड, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ भाभी ने
मेरे भांजी की वीडियो भेजी थी विच वॉज सो क्यूट, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। देखिए माशाल्लाह से वो खेलने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली लड़का है लेकिन उनकी बड़ी बेटी है तो उसकी वॉकर में बैठा हुआ है। यू नो जब दूसरा बच्चे होते हैं तो वो पहली बच्चे को सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, तो इसीलिए वो पिंक वॉकर में बैठा है। माशाल्लाह से खेल रहा है। अभी इनकी बड़ी सिस्टर भी जो हैं, बहुत बड़ी सिस्टर हैं, आप देखें उनको अभी नज़र आएंगी राइट देयर। ये बड़ी बाजी बैठी है हमारी, तो यह वहाँ बैठी हैं और ये यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और ये दूसरा दिन है, तो दो दिन के जो है व्लॉग मैंने एक ही इसमें डाल दिया है। और सारी लड़कियाँ बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हैं, मेरी भाभी की बर्थडे थी सो हैप्पी बर्थडे गज़ल। उनकी बर्थडे थी तो हम लोग उनके घर गए थे। ये मेरी बहन का बेटा है मूसा, सो या। और ये मेरी ब्यूटीफुल मॉम है, आई लव यू मॉम। अभी पाकिस्तान से रिसेंटली आई है तो इसीलिए अब आपको ये हर व्लॉग में इंशाल्लाह नज़र आएंगी। और ये मेरी भाभी हैं ग्रीन ड्रेस में, मेरी ब्यूटीफुल मॉम एंड ब्यूटीफुल भाभी। और इनकी बर्थडे थी तो हम लोग इनके लिए सेलिब्रेट करने इनके घर गए हुए थे, दावत की हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। हैप्पी बर्थडे गज़ल। ये मेरी खाला है, हैप्पी बर्थडे गज़ल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गज़ल, थैंक यू गज़ल फॉर फीडिंग मी। इवन दो मैं डाइट पर हूँ बट थोड़ा बहुत तो केक चलता है। और ये मेरी खाला है, मेरी अम्मी है, मेरी खाला मूसा को पकड़ी है मेरी सिस्टर के बेटे को। ये मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड। सो ये मेरा भाई है, माय हैंडसम ब्रदर। सो बस लड़कियां तो क्रेजी हो गई थी केक देखकर, बस उनको केक देखकर और उनको बस केक ही खाना था। ये देखें खा भी रही हैं, एक दूसरे को खिला भी रही हैं। और ये बस इन लोगों को कैमरे से खेलना था तो हम लोगों ने बस ऐसे ही फन फन में ये वीडियो बना ली थी। ये इट्स नथिंग, लड़कियों को बस फ़ोन हाथ में लो तो इन लोगों को भी बस स्नैपचैट और वीडियो बनानी होती है। और मैं आप लोगों को अपने ये नेल्स दिखा रही थी, ये नेल्स एक्चुअली आप सुबह लगाएं रात को हटा दें, ये बिल्कुल ऐसे नेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके लिए लगे रहेंगे। सो या कभी कभार आपको बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है। तो यहाँ बस मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही थी, फ़नी फ़नी फेसेस बना रही थी। तो जब बच्चे के मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ और उन लोगों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह खेलने लग जाती हूँ। यही होता है बचपन, बच्चों का एंजॉय करने का टाइम। सो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।